बहुत समय पहले की बात है, मनोरमा अपने परिवार के साथ रहती थी। मनोरमा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। वह नित्य दिन उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती, फिर अन्य काम करती। मनोरमा के दो बच्चे थे, चिंकी और गट्टू। मनोरमा के पति की मृत्यु के बाद मनोरमा ने अपने बच्चों को बड़ी मुसीबतों से पाला है। मनोरमा को अपनी माँ दुर्गा पर पूरा भरोसा था, वह एक न एक दिन सब कुछ अच्छा कर देंगी। मनोरमा भटकते भटकते दूसरे गांव आ जाती है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गांव के सबसे बड़े सेठ के यहाँ उसे काम मिल जाता है। मनोरमा, मेरी बेटी की अब शादी है और तुम्हें बहुत सारे कपड़े धोने होंगे, लेकिन कपड़े जरा ध्यान से धोना, क्योंकि वो बहुत महंगे हैं और मेहमानों के भी कपड़े तुम्हें ही धोने होंगे, तो जरा टाइम से आ जाना। जी सेठ जी, मैं ध्यान रखूंगी। सेठ जी, कुछ पैसे उधार मिल जाते तो आपका भला होगा। मनोरमा की सारी बातें जानकर रतन सेठ उसे पैसे कुछ एडवांस दे देता है। फिर मनोरमा उन पैसों से घर किराए पर ले लेती है और बाकी बचे पैसों से घर का राशन ले आती है। अगले दिन से मनोरमा सेठ जी के यहाँ काम पर जाती है। फिर मनोरमा जैसे ही सेठ जी के घर में जाती है तो वह देखती है मालकिन दूसरी नौकरानी को डांट रही थी। नीलम, ये कैसे सफाई की है? जरा दोबारा सफाई कर, अगर तू ऐसे ही करती रही तो मुझे दूसरी नौकरानी देखनी पड़ेगी। ये सब बातें मनोरमा सुन रही थी। मालकिन का ऐसा व्यवहार देखकर मनोरमा घबरा जाती है और डरते डरते कहती है, मालकिन, मुझे सेठ जी ने कपड़े धोने के लिए रखा है, जो भी कपड़े हैं वो आप मुझे दे दीजिए। कपड़े धोने तो अच्छे से आते हैं ना तुम्हें? कपड़े जरा महंगे हैं और जरा ध्यान से धोना, ठीक है? जी मालकिन, मैं ठीक से धोऊंगी। नीलम, जा इसे कपड़े दे दे। फिर मनोरमा गंदे कपड़े लेकर घर आ जाती है और रात के समय धोकर कपड़े डाल देती है। मम्मी मम्मी, कल से नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, क्या इस बार भी आप नवरात्रि रखोगी? हाँ बेटा, माँ दुर्गा की कृपा से ही तो हमें ये सब प्राप्त हुआ है। और देखो, सेठ जी के यहाँ शादी भी है तो बहुत सारे कपड़े धोने को मिलेंगे और बहुत सारे पैसे भी, और मैं उन पैसों से माँ दुर्गा की पूजा का सामान ले आऊंगी। अगले दिन मनोरमा जल्दी उठकर माँ दुर्गा की पूजा करती है। फिर मनोरमा कपड़े लेकर मालकिन के यहाँ जाती है। अरे मनोरमा, कपड़े तो तुमने बहुत अच्छे धोए हैं, बिल्कुल साफ। मुझे ऐसे ही कपड़े धोने वाली पसंद है, जो बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखे। फिर मालकिन मनोरमा को पैसे दे देती है। नीलम, अरे कहाँ मर गई, जल्दी आ, दूसरे कमरे में गंदे कपड़े रखे हैं, जा वो लाकर मनोरमा को दे दे। सेठानी की बात सुनकर नीलम मन ही मन कहती है, ये बुढ़िया तो मेरा जीन आराम करके रखती है, जब देखो नीलम 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 करती रहती है। आई मालकिन। फिर नीलम मनोरमा को गंदे कपड़े लाकर दे देती है। मनोरमा गंदे कपड़े लेकर घर की ओर आ जाती है। शाम के समय सेठानी अपने कमरे में हीरो का हार ढूंढ रही थी। अरे मेरा हीरो का हार पता नहीं कहाँ चला गया, वो इतना महंगा था। अजी सुनते हो, कहाँ हो? क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो, घर सर पर उठा रखा है। देखिए ना, मेरा हीरो का हार नहीं मिल रहा है। ठीक से देखो, कमरे में ही होगा, और कहाँ जाएगा। आपको तो बस यही लगता है कि मैंने ठीक से नहीं देखा, देखिए यहाँ भी नहीं है। तुमने आखिरी बार कहाँ रखा था, तुम्हें कुछ याद है? हाँ मैंने सुबह ही देखा था,
जब मैं अलमारी की सफाई कर रही थी। तो फिर और इस कमरे में कौन कौन आया था? हाँ याद आया, गंदे कपड़े भी यहीं रखे थे और मैंने नीलम से कहा था कि वो गंदे कपड़े बांधकर मनोरमा को दे दे, कहीं वो हार कहीं गंदे कपड़ों में तो नहीं चला गया। वैसे ही वो इतना महंगा हार है, इतना महंगा हार देखकर मनोरमा की तो नीयत फिसल गई होगी। वैसे भी इन गरीबों का तो कोई ईमान नहीं होता है। आप पुलिस को फोन कीजिए, वो सीधा मनोरमा के घर जाएंगे और सच्चाई निकलवा लेंगे। फिर रतन सेठ पुलिस को फोन करता है। कुछ देर बाद पुलिस मनोरमा के घर पहुंच जाती है। अनजान मनोरमा दुर्गा माँ की पूजा करने के बाद खाना खाने ही बैठ रही थी, तभी मनोरमा के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर मनोरमा घबरा जाती है। इस घर में मनोरमा कौन है? जी साहब, क्या हुआ? मैं हूँ मनोरमा। तुमने रतन सेठ जी के यहाँ से हार चुराया है और चोरी के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। चोरी? आपको कोई गलत फहमी हुई है सेठ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है, मैंने चोरी नहीं की। अभी रतन जी का फोन आया था और उन्होंने ही कहा है तुमने हीरो का हार चुराया है और तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पर साहब, मम्मी का व्रत है, उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और आप उन्हें खाना खा लेने दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें अभी के अभी हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। फिर मनोरमा पुलिस स्टेशन आ जाती है और रोते रोते कहती है, हे माँ दुर्गा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अगर मैंने आपकी सच्चे दिल से भक्ति की है तो मुझे उसका फल दीजिए दुर्गा माँ, कृपा कीजिए। रोते रोते मनोरमा की पुकार माँ दुर्गा तक पहुँच जाती है। फिर माँ दुर्गा सेठानी के सपने में आती है। कौशल्या, तुमने मनोरमा पर झूठा इल्जाम लगाया है, वह निर्दोष है, तुम उसे जेल से बाहर निकालो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी और तुम्हारा हीरो का हार नीलम ने चुराया है। इतना कहकर माँ दुर्गा विलुप्त हो जाती है और कौशल्या घबराते हुए उठती है और अपने पति को जगाती है। सुनिए जी, उठिए, जरा जल्दी उठिए, मुझे अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाना है। कौशल्या की बात सुनकर सेठ उठ जाता है। फिर कौशल्या अपने सपने की सारी बातें अपने पति को बताती है। फिर सेठ सिठानी पुलिस स्टेशन जाते हैं और मनोरमा को रिहा कराते हैं। फिर सेठ सिठानी मनोरमा को उसके घर छोड़ते हैं। हमें माफ कर दो मनोरमा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें माँ दुर्गा ने सच सच बताया है कि मेरा हार तुमने नहीं नीलम ने चुराया था। माँ दुर्गा का नाम सुनते ही मनोरमा माँ दुर्गा का धन्यवाद करती है। फिर अगले दिन मनोरमा रोज की तरह जल्दी उठ जाती है और माँ दुर्गा की पूजा करती है। पूजा करने के बाद मनोरमा सेठ सिठानी के घर प्रसाद देने जाती है। फिर कौशल्या नीलम को काम से निकाल देती है। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको हमारी कहानी? आशा है कि अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।